बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट के अंदर एक मुतनाज़ा बिल पेश किया गया, इस पर कादियानियों को मुसलमान यानी मुसलमान करार देने का जो बिल था वो पेश किया गया कि कादियानी भी मुसलमान है। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो शिद्दत पसंद यानी शर पसंद होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर अलामा सौद हुसैन साहब का ये वीडियो पैगाम सामने आया है, वो आप सुन सकेंगे, मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। अलामा सौद हुसैन साहब ने सख्त गुस्से का इजहार किया है और इस पर उन्होंने कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक, यानी अगर ये बिल पास हो जाता तो पाकिस्तान की ये तारीख का एक सियाह तरीन दिन होता और इस दिन यानी पाकिस्तान के अंदर कादियानी को मुसलमान करार दे दिया जाता। और इस पर अलामा सौद हुसैन साहब ने कहा कि देखिए हम खून के आखिरी कतरे तक, ये वीडियो प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। आगे चंद सेकंड्स के बाद अलामा सौद हुसैन साहब ने कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करेंगे, हम लड़ेंगे, हम कट जाएंगे, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर खत्म नबूवत के गद्दारों को किसी भी सूरत हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। मजीद अलामा सौद हुसैन साहब ने नाज़रीन क्या कुछ कहा है, आइए वह सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर जो है इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। 30 जुलाई बरोज इतवार सेनेट ऑफ पाकिस्तान का सियाह तरीन दिन ठहरा, जिसमें इस्लाम पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश किया गया। मुफ्तियाने किराम, कानूनी माहरीन और मुआशरा के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान ने इस नाम नहाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल को इस्लाम की असास पर शदीद हमला करार दिया। कुफ्र के एजेंडे की तकमील की खातिर इस्लाम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से जोड़ दिया गया। शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल किए गए, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी की गई, आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, इनफरादी और निजी ज़िंदगी की जासूसी और इज्जतों को उछालने के लिए भयानक मंसूबा बनाया गया। ये वो बिल है जिस बिल को छुट्टी वाले दिन उजलत में पेश किया गया, जिसमें हुकूमत ने अपने इतिहादियों को भी माद में ने लिया। और जब ये मज़मूम बिल पेश किया गया तो अरकान सेनेट भी महव हैरत थे कि यह शब खून कैसे मारा गया। इस बिल ने हर पाकिस्तानी के दिल को छलनी कर दिया, गरीब आवाम के हकूक़ पर डाका डाला, मीडिया की आज़ादी को सलब कर लिया और कादियानियों को मुस्लिम करार देने की कोशिश की गई। वो शहरी जो अपने हकूक़ की आवाज़ उठाना चाहता है, इस हक़ को ये बिल इंतहा पसंदी, अफरा तफरी और शर अंगेज़ी कहता है। जो शख्स अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करे या किसी भी मामलात में हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे तो इसकी निजी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए या इसकी निजी ज़िंदगी की जासूसी करने के लिए यह बिल हर सरकारी इदारे और हर हुकूमत को इजाज़त देता है। आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून इस्लाम कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनेगा। यह बिल इस्लाम की हर बात से टकराता है, इस्लाम की हर तशरी से टकराता है, इस्लाम के हर कानून और अहकाम के मुतसादिम है। इमाम अल-अंबिया हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर फरमान से टकराता है। तो ये बिल साफ ज़ाहिर है कि शरीयत के भी मुतसादिम है, इस्लाम के मुतसादिम है और आईने पाकिस्तान के भी मुतसादिम है। सबसे बढ़कर बिल के मंदरजात के मुताबिक दीन, शायर इस्लाम, मुकद्दसात इस्लाम और ख़त्म नबूवत की तौहीन और खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी करने वाले को ना मुजरिम समझा जाएगा और ना ही दायरा इस्लाम से खारिज। कुरान और सुन्नत के मुताबिक 73 के आइन में मुसलमान की तारीफ को भी बदल दिया गया, चुनाचे कादियानी और गुस्ताखाने मुकद्दसात इस्लाम को भी मुसलमान कहने की मज़मूम जसारत की गई। नीज़ 295 सी के कानून को अमलन गैर मौसर करार देने की भरपूर नाकाम कोशिश की गई। इस्लामी फ़िक्र की आबियारी करने वाले मदारिस इस्लामिया के नकूश को मिटाने के मज़मूम अजायम जैसे बदतरीन कुफर के एजेंडे को शामिल किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस इस्लाम मुखालिफ बिल की शदीद मजम्मत करती है और कुफर के तमाम मनसूबों के ख़िलाफ़ हमेशा मैदान अमल में है। और तहफ्फुज़ इस्लाम, तहफ्फुज़ ख़त्म नबुव्वत, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत और तहफ्फुज़ नज़रिया पाकिस्तान, बकाए पाकिस्तान और हुकूक आवाम के लिए हमेशा मैदान अमल में रहेगी।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर उस किरदार को बेनकाब करेगी जिसने ये बिल पेश किया या जिसकी ख्वाहिश पर पेश किया गया या जो इस पर खामोश तमाशाई या खामोश हामी रहे। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसको बेनकाब करके अवाम के सामने लाएगी। इस बिल के ज़ाहिरी और पोशीदा किरदारों को और कुफ्र के आलाकारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह इस्लामियाने पाकिस्तान तहफ़ इस्लाम के लिए, तहफ़ पाकिस्तान के लिए और हुकूक अवाम के लिए अपने आखिरी खून के कतरे तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी भी गैर मुल्की एजेंट को और किसी भी गैर मुल्की इशारे पर चलने वाले को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की असास को मिटा दिया जाएगा या पाकिस्तान के आइन को ख़त्म कर दिया जाएगा या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान लिया गया उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये उसकी एक खाम ख्याली है। इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक बसते हैं और अपने वतन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी रहते हैं, उस आखिरी सांस तक तहफ़ इस्लाम के लिए, तहफ़ पाकिस्तान के लिए और अवाम के हुकूक के लिए इंशाल्लाह मैदान अमल में रहें। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, तो नाज़रीन ये था रमत स्वाद हुसैन रिज़ साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने मुलाहिदा फरमाया। रमत स्वाद हुसैन रिज़ साहब ने कहा कि खून के आखिरी कतरे तक जो ना वो हम ये जंग लड़ेंगे, हम इसमें कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये बिल किसी भी सूरत हम पास नहीं करने देंगे, हम कानून नहीं बनने देंगे। अतवार के दिन यानी छुट्टी वाले दिन ये बिल पेश किया गया ताकि किसी को मालूम ना हो, किसी को इल्म ना हो। और इसमें क्या नाज़रीन, अब हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर है कि कादियानियों को मुसलमान करार देने के लिए पाकिस्तान की सेनेट में ये 1974 के बाद पहली बार क्या किया गया है, ये बिल पेश किया गया। और ये बिल अलामा साद हुसैन रिज़ साहब ने अपने हाथ में लहराकर ये वीडियो पैगाम दिया है। और इस वीडियो पैगाम के बाद इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो बदलने जा रही है और हुकूमत इस वक्त हाई अलर्ट पर है कि वो किसी भी तरह से अलामा साद हुसैन रिज़ साहब को क्या करे, गिरफ्तार करे। अभी भी ये जो न्यूज सामने है कि अलामा साद हुसैन रिज़ साहब और जो दीगर उलमा कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा है उनके जो वारंट गिरफ्तारी वो जारी हुई है, इसमें अभी तक जो है वो ऐसे समझ ले मुझे तस्दीक शुदा खबर नहीं मिली, लेकिन अभी ये खबर सोशल मीडिया पर आई है। मैं इसकी तस्दीक करने की कोशिश करता हूं कि इसमें कितनी परसेंट जो है ना वो हकीकत है, कितनी परसेंट इसमें सच्चाई है, क्या हुकूमत ऐसा करने जा रही है। ये चंद मिनटों के बाद जो है जैसी खबर तस्दीक होगी ये मैं आपके साथ नाज़रीन क्या करूंगा, शेयर करूंगा। ये था अहम तरीन पैगाम जो आपके साथ शेयर किया गया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो मैं याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।